माय चैनल दर्शन डायरीज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस गर्मी बहुत है तो मेरा फैन चालू है, आवाज आएगी तो प्लीज इग्नोर कर देना। एंड आपको मेरा मेकअप इनकम्प्लीट लग रहा होगा या मैंने काजल नहीं लगाई है तो मेरी आईज देखो कैसी सुनी सुनी और छोटी छोटी लग रही है। तो आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो है ममाअर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल विथ विटामिन सी एंड चामोमाइल काजल, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड 11 आवर स्टे करता है, स्मच फ्री है, मैड इज सेफ है एंड टॉक्सिन फ्री है, लॉन्ग स्टे है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। एंड इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको साइड पे ही मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रीड कर सके, राइट। एंड इधर सब कुछ डिटेल्स में दिया है, कैसे लगाते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ इसमें दिया है। एंड इसकी जो MRP है 299, जो मुझे थोड़ी ज्यादा लगी, बट काजल अच्छा है। एंड इसकी जो क्वांटिटी है 0.35 ग्राम एंड 4 ईयर्स आपको सेल्फ लाइन मिल जाएगी तो गुड। एंड पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी है। सब काजल आते हैं ऐसा ही काजल है, कुछ नया नहीं है। एंड व्हाइट है। ममाअर्थ ने 2 काजल लॉन्च की है, एक है जो ट्विस्ट करने वाली है वो मुझे ज्यादा पसंद आती है, एंड एक जो है ना वो पॉल काजल है, पेंसिल की तरह आती है, उसकी प्राइस ज्यादा है। अभी मैं हम सोच कर लेते हैं फिर हम देख सकेंगे। पूरा ब्लैक है, जेट ब्लैक है। एंड गाइस सच में बटर की तरह स्मूथ चल रही है। अभी हम इसे ड्राई होने देते हैं। तो मुझे ये काजल अच्छा लगा, बट जो इतना कुछ इतना खास नहीं है, मुझे ये नीचे लगाती हूँ तो मुझे पानी निकलता है, आइस में से मुझे निकलता है, तो मैं आज आपको वो लगा के नहीं दिखाऊंगी, ऊपर में लगा दूंगी आपको दिखा दूंगी। पर ये मुझे पानी निकलता है, कई बार क्या होता है जो नेचुरल होते हैं ना तो वो इफेक्ट करते हैं, वो निकलता है, होता है सेंसिटिव आइस होती है, तो मुझे ये सूट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, ये मुझे पानी निकला। पर जो हम लगाते हैं ऊपर को काजल गाइस सच में बहुत जेट ब्लैक है। अभी हम इसे ड्राई होने देते हैं फिर मैं आपको ये वाटरप्रूफ करके भी दिखाऊंगी। ये स्मच प्रूफ है, वाटरप्रूफ है एंड इसमें जो लिखा है कि 11 आवर स्टे करेगा तो इतना तो नहीं करता है, पर आपका 5-6 घंटे निकल चल जाएगा, टिक जाएगा। एंड 5-6 घंटे में कहाँ वो गायब हो जाता है पता नहीं। जो दूसरे काजल होते हैं जो स्मच होते हैं, स्प्रेड होने लगता है, ये काजल ऐसा नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी कि आपका ये जो काजल है ना स्प्रेड नहीं होगा, और ये मुझे पानी निकलता है तो मुझे प्रॉब्लम होता है। एंड अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। आप देखो कितनी मेरी आईज बड़ी लग रही है एंड कितना जेट ब्लैक है, तो मुझे काजल अच्छा लगा। अभी मैं ये आपको दिखा देती हूँ, स्मच प्रूफ है। एंड गाइस सच में ये वाटर प्रूफ भी है, मेरे पास ये पानी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो पूरा का पूरा। ये आप बारिश में भी काजल लगा के जाओगे तो आपका
जाएगा नहीं है, गर्मी के टाइम में भी ये काजल अच्छा रहता है। देखो ये पानी पूरा इनमें पूरा खींच रही हूँ, पर वही के वही टिका रहा। तो वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है। अच्छा, मुझे ये काजल अच्छा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पूछना, जो भी पूछना हो मैं आपको बता दूंगी एंड आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्रोडक्ट रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड जो साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय, टेक केयर।